वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 लेयर 1 ब्लॉकचेन कॉइन्स की, जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आई थिंक इनका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है और ये नेक्स्ट बुल रन में या नेक्स्ट अपसाइड मार्केट में ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनका इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये कौन से टॉप 5 बुलिश कॉइन्स जो हैं मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, स्पेशली नाउ जबकि मार्केट डाउन है, जबकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स डाउन है, ये कॉइन्स एक्युमुलेट करने का एकदम सही है मैक्सिमम गेन के लिए। तो ये कौन से कॉइन्स हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहली बात, नंबर वन इनकी एलिजिबिलिटी है इज दैट इट इज़ अ लेयर वन ब्लॉकचेन। सो ये कोई लेयर टू सॉल्यूशन नहीं है या फिर कोई डीफाई एनएफटी ऐप नहीं है, नहीं, ये लेयर वन ब्लॉकचेन्स हैं। ओके, दूसरा चीज़, ये जो ब्लॉकचेन्स हैं दे आर इंटर ऑपरेटेबल, बेसिकली उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, दे कैन ऑल, दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज फ्यूचर इज मल्टी चेन। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे वर्ल्ड में रहेंगे जहाँ पर इथेरियम ही एग्जिस्ट करेगा, फ्यूचर इज मल्टी चेन, मल्टीपल ब्लॉक चेन एग्जिस्ट करेंगे और इसीलिए इंटर ऑपरेटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होने चाहिए ब्लॉक चेन जो मैंने सेलेक्ट किया है। और दूसरा, तीसरा चीज़, नो इथेरियम किलर, मतलब ऐसे ब्लॉक चेन जो बोलते हैं वी विल किल इथेरियम, आप उनसे दूरी रहो बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू किल इथेरियम। और इथेरियम ने जो एग्जाम्पल दिया है वो किसी ब्लॉक चेन करने देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वी डोंट वॉन्ट इथेरियम किलर, वी वॉन्ट प्रैक्टिकल ब्लॉक चेन जिनमें यूटिलिटी बन सकती है और जिनका फ्यूचर है, राइट। एंड ये जो ब्लॉक चेन्स हैं दीज आर 5+ ईयर्स ऑफ बिल्डिंग, ये कोई नया ब्लॉक चेन्स नहीं जो पिछले साल लॉन्च हुआ या 2 साल पहले लॉन्च हुआ। जितने भी ब्लॉक चेन्स मैं ले रहा हूँ, कॉइन्स ले रहा हूँ, टोकन्स ले रहा हूँ, ये सब 5+ ईयर से ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो दूसरा चीज़, इनका इकोसिस्टम ग्रो, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनका इकोसिस्टम में ग्रोथ है, इनमें डीफाई ऐप बन रहे हैं, डाओज बन रहे हैं, एनएफटीज बन रही हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं, राइट। तो नए नए डैप्स बनते हैं, फिर यूजर्स भी आते हैं, राइट। और जब डैप्स बनते हैं, यूजर्स बनते हैं, तो उनकी टोकन की यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। और किसी भी टोकन के प्राइस को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, आपको टोकन की यूटिलिटी चाहिए, राइट। तो ये सब क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया है, टोकन यूटिलिटी, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल से बन रहे हैं, राइट, इंटर ऑपरेटेबल हैं कि नहीं, इन सब को नज़र रखते हुए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 कॉइन कौन से हैं? फर्स्ट इज पोल्काडॉट। पोल्काडॉट का इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है टोकन 2049, ये लोग अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नई अनाउंसमेंट भी यहाँ पे इन्होंने किया है। पोल्काडॉट की करंट प्राइस है $6.38 और इनका ऑल टाइम हाई है $55। सो आई थिंक नेक्स्ट साइकिल में ये लोग ईजिली $55 क्रॉस करने के चांसेस है इनका, क्योंकि इनके सिस्टम में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। दूसरा है बाइनांस स्मार्ट चेन। बाइनांस स्मार्ट चेन अगेन इज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोविंग इकोसिस्टम। इनकी करंट प्राइस है $282, ऑल टाइम हाई $691 गया था। आई थिंक वेरी सून इन द नेक्स्ट बुल रन, इन द नेक्स्ट साइकिल, BNB जो है इजिली $1000 टच करने की उम्मीद है मेरे हिसाब से, जो हिसाब से इनका सिस्टम ग्रोथ हो रहा है। सोलाना ऑफकोर्स बहुत तेज़ी से, तीसरे नंबर पे सोलाना है जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। करंट प्राइस है $33, इनका मैक्सिमम प्राइस $259 गया था, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। और सोलाना का भी इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डीफाई एनएफटी इकोसिस्टम और यूजर्स काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कॉस्मोस, और दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज इसका जो पोटेंशियल है काफ़ी अपसाइड ज़्यादा है। तो फिलहाल से $12 पे ट्रेड हो रहा है, इसकी ऑल टाइम हाई में भी बहुत ज़्यादा नहीं गया था। तो आई थिंक ये इजीली $100 तक टच कर सकता है अगर यू नो नेक्स्ट बुल रन में, बिकॉज इनका इकोसिस्टम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोसिस्टम। अगर आप मेरी नज़र में देखोगे तो इथेरियम इज़ द नंबर वन कॉइन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे 1334 पे ट्रेड हो रहा है, अपसाइड 461 गया था, इजीली $10,000 टच करने की उम्मीद है नेक्स्ट बुल साइकिल में। और ये मर्ज सक्सेसफुली शिफ्ट होने के बाद इथेरियम अब और भी स्ट्रांग हो गया है। अगर बोनस की बात करें तो जो मेरे दिमाग में आता है और कौन सा है, इस पॉलीगॉन दिस 6 कॉइन। बट पॉलीगॉन क्यों मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, बिकॉज पॉलीगॉन इज नॉट जस्ट लेयर टू फॉर इथेरियम, बट पॉलीगॉन एक इंडिविजुअल ब्लॉकचेन भी है। तो पॉलीगॉन का भी इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप हो रही है, राइट। और पॉलीगॉन का कॉइन की बात किया जाए तो इनका फिलहाल 75 सेंस पे ट्रेड हो रहा है और ऑल टाइम हाई कुछ 2.92 गया था। तो यहाँ पे भी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे कुछ टॉप 5 लेयर 1 बुलिश ब्लॉकचेन है जिसमें मैं पॉलीगॉन को भी 6 में रखा हूँ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, अगर आपने मैंने कुछ मिस आउट किया है आपके हिसाब से इस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, टॉप 10 में इंक्लूड होना चाहिए, तो लेट मी नो योर कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।